पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कटघर थाना क्षेत्र निवासी श्यामलाल की हत्या उसके ही दोस्त विक्की ने नशे को लेकर हुए विवाद के बाद की थी। कटघर पुलिस ने रविवार को सूरजनगर फलमंडी निवासी आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। थाना कटघर में रामगंगा नदी किनारे बंधे पर स्थित मंदिर के पास झाड़ियों में 3 अक्टूबर को गुलाबबाड़ी गुरुद्वारा के पास रहने वाले श्यामलाल का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में पत्थर से कुचलकर हत्या की पुष्टि हुई थी। रविवार को एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पीतलबस्ती चौकी के फलमंडी सूरजनगर निवासी आरोपी विक्की को गिरफ्तार किया है। लाल सैनी पुत्र भागीरथ सैनी था। इनकी जो डेड बॉडी है वो झाड़ियों में मिली थी मंदिर के पास में, तो इसी पे जो वादी की तैयारी है उसमें मुकदमा इसमें लिखा गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और थाना कटघर की टीम और हमारे क्षेत्राधिकारी कटघर एसपी सिटी के नेतृत्व में इस टीम में लगातार इस पर काम कर रही थी, और कुछ लोगों को जो संदिग्ध थे उनको पूछताछ के लिए इसमें लाया गया था। उसी में से एक व्यक्ति हैं विक्की पुत्र महेंद्र सिंह निवासी फलमंडी सूरजनगर पीतलबस्ती के रहने वाले हैं, और इनसे इनका अक्सर जो श्यामलाल सैनी उनके साथ में उठना बैठना था, और ये मंदिर के पास में ही अक्सर रहते थे। तो इनसे जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा इस घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है, और इन्होंने जानकारी दिया है कि ये अक्सर मंदिर के बाहर रहते थे और वहाँ पर जो शराब और जो फल फ्रूट्स वहाँ पर जो मंदिर में चढ़ाए जाते थे उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे, और कई बार इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी भी होती थी, और ये दोनों नशा भी करते थे शराब का और जो सुल्फा पीने का। तो इसी में उस दिन जो घटना के दिन ये लोगों ने पहले शराब पिया और उसके बाद में ये मंदिर के पास में सो रहा था, तो इसने इससे सुल्फा पीने के लिए मांगा और उसने नहीं दिया। इसी पे गुस्सा होकर इसने वहाँ पास में एक पड़े हुए जो पत्थर था, एक पत्थर का टुकड़ा, उससे इसके सिर पर मार के इसकी हत्या कर दी, और उसके बाद में इसको वहाँ से घसीट के झाड़ियों में इसकी डेड बॉडी उसको छुपा दिया, और उसके बाद में घर जाके सो गया। तो इस तरीके से आज इसकी विक्की पुत्र महेंद्र की गिरफ्तारी की गई है, और गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। कोई आपराधिक इतिहास इसको पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, बाकी जानकारी की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।